नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में आतंकी हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बीते दिन यानी गुरुवार को आतंकियों ने पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची को निशाना बनाया है। कराची के सदर इलाके में यूनाइटेड बेकरी के पास IED ब्लास्ट किया गया। इस विस्फोट में एक नागरिक की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि आसपास मौजूद गाड़ियों में आग लग गई। इसके अलावा यहाँ मौजूद अपार्टमेंट, दुकानों और कारों की खिड़कियां टूट गई। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इस मामले की जिम्मेदारी नहीं ली है। शहर के IGP मुश्ताक अहमद मेहरी ने बताया कि शुरुआत जांच में पता चला कि एक बाइक में आईडी फिट करके ब्लास्ट किया गया था। जहां तक हताहतों की बात है तो एक 25 साल के लड़के की मौत हो गई है, बाकी घायलों का इलाज जारी है। राज्य के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने इस मामले पर डिटेल रिपोर्ट मांगी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस घटना पर अफसोस जताया है। उन्होंने आतंकवाद को सफाया करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने की बात भी कही है। वही शहबाज सरकार ने मंत्री राणा सनाउल्ला का कहना है कि केंद्र सरकार इस मामले की जांच के लिए सिंध सरकार का पूरा सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान में बीते कुछ वक्त से आतंकी घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। 15 दिन पहले ही कराची की यूनिवर्सिटी में हुए फिदायीन हमले में 5 लोगों की मौत हो गई थी। हमला कन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट के पास एक कार के करीब हुआ। मारे गए 5 लोगों में 3 चीन की महिलाएं प्रोफेसर है, 4th उनका पाकिस्तानी ड्राइवर और 5th गार्ड था। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान लगातार आतंकियों के निशाने पर है। पाक सरकार को तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलोच लिबरेशन आर्मी, ISIS खुरासान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अफगानिस्तान तालिबान बॉर्डर पर उसके लिए चुनौती बना हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।